अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन निज़ामी रोल। तो उसके लिए हमें डो लगेगा। सबसे पहले तो हमको डो बनाना पड़ेगा। तो डो के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम। इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर और सॉल्ट जो है एज पर योर टेस्ट जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर जाएगा ऑयल, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर दही जाएगा। इसको हम अच्छे से गूंद कर इसको साइड में हमने रख देना है। डो के लिए ये हो गया। अब इसके अंदर जो जाएगा चिकन है, इसकी फिलिंग के लिए चिकन हमने लिया हुआ है, 250 ग्राम चिकन है जिसको इस तरीके से स्ट्रिप पे मैंने कट किया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रिप में कट किया हुआ है। और इसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर नींबू का रस जाएगा। एक मीडियम साइज का नींबू ले लो और उसका रस निकाल लो, 1 टेबल स्पून ही हो जाता है। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है तंदूरी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हो। मैंने यहाँ पर भुना कूटा जीरा जो है वो हाफ टेबल स्पून लिया है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है, हल्दी पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, हाफ टेबल स्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और चुटकी भर मैंने यहाँ पर टमाटो रेड फूड कलर लिया हुआ है। और यहाँ पर हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च डाल सकते हो। फाइनली चॉप किया हुआ है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। पहले जो है चिकन को मैरिनेट करना है, तो इसके अंदर हमने नींबू का रस डाल दिया। इसमें हम डाल देंगे दही, 2 टेबल स्पून जितना हमने इसमें दही ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर जितने भी सूखे मसाले हैं और ये भी हमने इसमें डाल देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फर्स्ट और उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए साइड में रख देंगे। अच्छा, ये सलाद के लिए मैंने लिया था। ये जो है जब हम इसको सर्व करेंगे रोल को, तब उसके साथ में हम यहाँ पर प्याज और यहाँ पर मैंने लिया था पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू, मतलब 1 टीस्पून नींबू ऐड करूंगी, नींबू का रस, और इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम सलाद जैसा बना लेंगे और हम रोल में डालेंगे। तो मैं ये आपको बाद में बता दूंगी, जब हम रोल को असेंबल करेंगे ना, जब सर्व करने जाएंगे तब बता दूंगी। तो इसको अभी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको 1 घंटा मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने आटा जो है ये ले लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, शक्कर और बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही में हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल को भी हम अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और इसके साथ में हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर में गुनगुना पानी डाल डालकर हम इसका जैसे रोटी का आटा बना लेते हैं ना, वैसा हम इसको रोटी जैसा आटा बना लेंगे। थोड़ा हल्का हल्का इसमें पानी डालते जाएंगे, गुनगुना पानी डालना है आपने और उसको अच्छे से गूंद लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसका अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है और ये चिकन है, अब हम इसमें ये डालेंगे। 1 घंटा हो चुका है और टोटली जो चिकन है ना, अच्छे से पकने तक, और ये जो मसाले पूरे जो है ना, अभी पानी छोड़ेंगे तो पूरा सूखने तक, चिकन का पानी सूखने तक हमने इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से पका लिया, इसका जो पानी है पूरा सूख चुका है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम चारकोल का भाप देंगे। तो इसके अंदर एक बर्तन रख लेंगे और चारकोल का पीस इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर तो मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो बटर भी डालकर इसको भाप दे सकते हो। तो ये हम इसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप डालेंगे, कवर कर देंगे और जब तक पूरा धुआं नहीं चले आता, थोड़ा सा इसको कवर कर दूंगी मैं, तो धुआं नहीं चले आता तब तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने 10 से 15 मिनट जो है अच्छे से कवर करके रख दिया था। ये देखिए, आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम जो है इसके पेड़े बना लेंगे, जैसे हम रोटी के बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसके पेड़े बना लेना है। थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा ले लेंगे खुश्की, और इसकी हम नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं बस उतनी ही हमने रोटी बना लेनी है, मतलब पेड़े बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से, अभी यहाँ पर जो है हम इसकी रोटी बना लेंगे और इसको अच्छे से, मतलब रोटी की शक्ल में बेल लेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से सेक देंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है चाट मसाला लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पहले तो, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये प्याज और शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी, और ये पत्ता गोभी तीनों डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मायोनीज लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर से देखिए एक ब्रेड उठा लेंगे और इसके अंदर हमें सबसे पहले जो है ये मायोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इवनली, ये जो हमने रोटी बनाई है उसके ऊपर सारा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून तो हमको इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड करना होगा। ये देखिए अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सलाद, सलाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने शिमला मिर्च और प्याज और पत्ता गोभी लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें अच्छा चिकन डाल देंगे, चिकन को भी अच्छे से हम इसमें डालेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसमें चिकन भी डाल दिया। अब इसको बस सिंपली रोल कर देना है और ये हमारा चिकन निजामी रोल जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये चिकन निजामी रोल जो है बना लिया है, चिकन निजामी रोल जो है बनकर तैयार है। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।